हेलो एवरीवन, सो लास्ट ईयर दिसंबर में छुट्टियों में वी वेंट टू गोवा एंड वी स्टेड इन ले मेरिडियन गोवा, दैट इज अ प्रॉपर्टी एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैरियट। वी स्टेड देयर फॉर 5 नाइट्स एंड पूरा का पूरा स्टे हमारा फ्री था। आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट एनीथिंग, आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि कैसे आप भी क्रेडिट कार्ड या एमेक्स इकोसिस्टम को यूज करके बेटर रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो फॉर योर हॉलीडेज इन मैरियट, बिकॉज एमेक्स गिव्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मैरियट प्रॉपर्टीज। सो लेट्स गो। सो इन दिस वीडियो वी आर सिंपली गोइंग टू टॉक अबाउट द एमेक्स इकोसिस्टम and how it affects the rewards rate, मतलब कैसे आप Amex के कार्ड का सही यूज करके, कौन से कार्ड का यूज करके अच्छे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, डायरेक्टली होटल्स एंड फ्लाइट्स में रिडीम करा सकते हो। एंड नेमली देयर आर ओनली 2 to 3 कार्ड्स, मैं बाकी कार्ड्स की बात नहीं करूंगा, ओनली MRCC, प्लेटिनम ट्रैवल एंड द गोल्ड कार्ड, ये तीन ही कार्ड है जो कि लायक कार्ड है, बाकी नालायक कार्ड है। एंड इसमें हम रिवॉर्ड रेट भी जानेंगे कि कितने के स्पेंड पे आपको कितने रिवॉर्ड मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, 6 से 7 हजार रुपए मैक्सिमम 10 हजार रुपए महीने पे भी आप 20 से 25% की रिवॉर्ड रेट कर सकते हो। एंड ऐसा किसी भी रिवॉर्ड्स के क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है, मोस्टली माइलस्टोन बेनिफिट्स ही होते हैं जहां बहुत सारा स्पेंड्स आपको करना पड़ता है। तो जहां आपके स्पेंड्स 5 से 10 हजार मैक्सिमम 20 हजार तक के भी हैं, आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड रेट मिल सकता है फ्रॉम योर एमेक्स कार्ड्स। सो देर इज अ फी अटैच टू एवरी कार्ड, बट देर इज ऑल्सो रेफरल लिंक अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिसके थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो आपका फर्स्ट ईयर फ्री या फिर उतने के पॉइंट्स मिल जाते हैं जितने की आपकी फी लगती है। सो लेट मी टेल यू, जो भी रेफरल लिंक हम इस चैनल से अर्न करते हैं सारा हमारी स्ट्रीट के स्ट्रे डॉग्स को पास ऑन कर देते हैं। तो जो भी रेफरल इनकम या रेफरल बेनिफिट हमारे चैनल को होता है, वी पास ऑन टू द स्ट्रे डॉग्स इन आवर कम्युनिटी, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एंड हियर गोस, सो लेट मी गो टू द स्क्रीन नाउ एंड वी विल डिस्कस जो भी कार्ड्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे रिवॉर्ड्स रेट अर्न कर सकते हो एंड क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो लेट्स गो। सो आई एम ऑन द अमेरिकन एक्सप्रेस की रेफरल स्क्रीन, सो यू कैन सिंपली सी जो कार्ड रेफर्ड है, दैट इज द एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। इसमें फर्स्ट ईयर इज फ्री फॉर नाउ अगर आप ये लिंक से साइन अप करते हो, एंड देन द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स देयर इज अ फी अगेन। इसमें भी आई विल टेल यू कि कैसे ये फी वेव ऑफ करनी है एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हो जाएगा, सो प्लीज स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई विल क्लिक ऑन व्यू ऑल कार्ड्स। सो द ओनली 3 कार्ड दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज, पहला तो ये है एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड गोल्ड कार्ड, एंड द थर्ड वन इज दिस Amex membership rewards credit card. So first I will start with the membership rewards credit card because सबसे basic card है and इसमें rewards rate भी अच्छे हैं। So if let's say I will click on this card, you see this earn 1000 bonus membership reward point for simply using card 4 times on transaction of 1500 या above, मतलब 1500 से ज्यादा का कोई भी 4 transaction आप महीने में करते हो तो 1000 bonus points मिलेंगे, plus 20,000 spend करते हो तो 1000 bonus और मिलेगा, मतलब totally अगर आप 20,000 का spend करते हो तो 2000 का bonus। So now let's go to our Excel. So this is the rewards calculator that I have put, इसका भी link description में है। So मान लीजिए मैं 1500 × 4 transactions करता हूँ, so this is what I get, 6000। एंड अगर मान लीजिए, एंड नाउ देर इज अ थिंग कॉल्ड एमेक्स का रिवॉर्ड मल्टीप्लायर, मतलब देर इज अ वेबसाइट नोन एज गिफ्टेड जिसके थ्रू आप वाउचर्स खरीद सकते हो। सो द बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड अर्निंग इज बाय परचेजिंग वाउचर्स, मतलब लेट्स से आपको बिल पेमेंट्स करने हैं, आपको घर का बिल भरना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आपको स्विगी जोमेटो यूज करना है, जो भी है उसके लिए आप डायरेक्ट स्पेंड ना करो, आप सिंपली अमेजोन पे के वाउचर्स खरीद लो, बिकॉज अमेजोन पे वॉलेट सबसे लिंक हो जाता है अमेजोन जोमेटो स्विगी, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ग्रोसरीज भी खरीद सकते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के भी प्लेटफॉर्म से ये लिंक हो जाता है। एंड आप यहाँ पे देखोगे, सो देयर इज अ टेबल, सो ऑन मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड इट्स 2x। सो नॉर्मली जो भी आप पॉइंट्स अर्न करते हो उससे 2x आप पॉइंट्स अर्न करोगे। सो लेट्स सी हाउ मच पॉइंट्स डू यू अर्न ऑन एवरी स्पेंड ऑफ एमेक्स एमआरसीसी। सो ऑल दी एमेक्स कार्ड्स एक्चुअली गिव यू 2 points per 100 rupees, मतलब 1 point per 50, सो टेक्निकली 2% फॉर एवरी 100 rupees स्पेंड, तो 2% आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब इसमें आप एमेक्स का रिवॉर्ड मल्टीप्लायर लगा लो, दैट इज 2x और मिलेंगे, मतलब 4% हो गया। सो लेट्स से आई स्पेंड 6000 rupees, इस पे द रिवॉर्ड रेट दैट आई एम अर्निंग इज 0.02 × 2, मतलब 2x ऑफ रिवॉर्ड मल्टीप्लायर, दैट कम्स आउट टू बी 240 पॉइंट्स जो नॉर्मल स्पेंड पे मिलेंगे। अब इसमें मुझे एक बोनस भी मिलेगा, वो बोनस क्या है, दैट इज 1000 पॉइंट्स ऑन 1500 × 4, तो 1000 बोनस पॉइंट्स ये हो गए। सो द टोटल कम्स आउट टू बी, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 1240 पॉइंट्स। नाउ सिंपली लेट्स से कि मैं 20000 का टोटल ट्रांजेक्शन करता हूँ, सारे के सारे अमेजोन पे वाउचर से ही लेता हूँ, सो आई विल टाइप 20,000 ईयर रिवॉर्ड मल्टीप्लायर फॉर 2% कम्स आउट टू बी 800 पॉइंट्स, और मुझे फिर 1000 का रिवॉर्ड ऑल मिलेगा, दैट इज अनदर 1000 बोनस पॉइंट्स, तो मैं इसको 2000 कर देता हूँ। सो टोटल दैट आई गेट इज 2800 एमेक्स के पॉइंट्स ऑन 20,000 का स्पेंड, विच कम्स आउट टू बी 14%। अब अगर इसको आप मैरियट में ट्रांसफर कर देते हो, साल में 3-4 बार कोई विंडो खुलती है जिसमें आपको 30% बोनस मिलता है, ट्रांसफर तो आप कभी भी कर सकते हो, बट जो 30% बोनस है वो कुछ समय के लिए खुलता है,
तो अगर आप उस पर ट्रांसफर करते हो तो आपको मेरिट में 18% रिवॉर्ड्स तक मिल सकते हैं। पर अगर मैं यही 20,000 ना करूँ और मेरा स्पेंड कम है तो मैं 6,000 स्पेंड कर सकता हूँ, उस पर मुझे 1,000 रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं एंड विच वुड कम आउट टू बी 21% रिटर्न्स ऑन पॉइंट्स। अगर वही आप किसी और जगह रिडीम कराते हो तो उसका हाफ हो जाता है, तो इट कम्स आउट टू बी 10%। तो इट इज़ नॉट रियली एडवाइजेबल कि एमएक्स के पॉइंट्स आप मेरिट के अलावा कहीं पे भी रिडीम कराओ। उसके लिए मेरिट के अलावा एक्सेस एंड HDFC आर बेटर, जिसमें आपको फार मोर बेटर वैल्यू मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल का कार्ड। एमएक्स प्लैटिनम ट्रैवल इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू आपके बहुत सारे स्पेंड्स हैं, मतलब बहुत सारे भी नहीं, अप टू 4 लाख से ईयर, तब तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हो इस कार्ड से। तो इसमें भी सेम गणित है, आप 2% रिटर्न्स कमाते हो ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड एंड एमएक्स रिवॉर्ड मल्टीप्लायर में प्लैटिनम ट्रैवल पे आपको 3x मिलता है, मतलब 6% रिटर्न्स मिलते हैं ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। देन देयर इज अनदर थिंग, 1.9 लाख स्पेंड करते हो इन दिस कार्ड तो आपको 4500, तो आपको 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एंड अगर 4 लाख करते हो तो 25 और मिलते हैं, मतलब टोटल 4 लाख में 40,000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं फ्रॉम एमएक्स एज अ बोनस। एंड यही अगर हम 4 लाख डायरेक्ट Amazon पे के थ्रू निकाले तो आप 3x और मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोनस को छोड़ के रेगुलर की बात हो रही है। इसकी मैं अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा ताकि आप ये बोलो कि यार 4 लाख रुपीज भी कोई निकालता होगा एक साल में वाउचर्स के थ्रू। बट द थिंग इज, अगर आपकी बहुत सारी पॉलिसीज चल रही है घर में, लेट्स से आपके पापा ने मम्मी ने बहुत सारी पॉलिसीज करा रखी है 50,000 1 लाख रुपए की, जिनका पेमेंट होना ही है, तो आप डायरेक्ट बैंक से डेबिट ना करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, अमेजोन पे वाउचर्स के थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर का भी बेनिफिट मिल जाएगा। सो लेट्स से स्पेंड 4 लाख एवरी ईयर एंड इसमें यू कैन सी रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के हिसाब से आएगा 24,000 पॉइंट्स, 2% इनटू 3, सो 6% का 4 लाख इज 24,000 रुपीज एंड इस पे मुझे 40,000 बोनस पॉइंट्स और मिलेंगे विच कम्स आउट टू बी 64,000 पॉइंट्स। अभी 64,000 पॉइंट्स को अगर मैं रिटर्न्स में देखूं विच कम्स आउट टू बी 16% ऑफ 4 लाख एंड मैं इसमें 21% जनरेट कर सकता हूँ अगर मैं मैरियट में ट्रांसफर कर दूँ। अब इसमें एक और बेनिफिट है, दैट इज मुझे ताज वाउचर मिलेगा 10,000 रुपीज का। तो अगर आप 10,000 रुपीज का भी ओवरऑल रिटर्न देखोगे ऑन 4 लाख रुपीज, सो इट कम्स आउट टू बी 3%, सो 21+3% कम्स आउट टू बी 24%, तो लगभग 24% तक का रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो ऑन द स्पेंड ऑफ 4 लाख रुपीज ओनली। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमएक्स गोल्ड कार्ड। एमएक्स गोल्ड कार्ड अगेन इज फेयरली बेसिक एंड सिंपल कार्ड। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको 18K एंड 24 कैरेट वाला एक कलेक्शन मिलता है, जिसमें 60% तक का, मतलब एक पॉइंट की 60 पैसे पे वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्रेडिट मिल जाता है। सो अब इसमें देखो 2000 रेफरल बोनस पॉइंट्स है, फिर वेलकम गिफ्ट है 4000 का। अब ये एनुअल फी के बेसिस पे है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जो भी आपकी एनुअल फी लग रही है उससे आपका इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं या कुछ ना कुछ आपका हो रहा है, तो कोई ना कोई अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, बट आपकी फी ऑफसेट हो जाएगी जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इसमें यू विल सी सेम एमएक्स गोल्ड कार्ड का बेनिफिट ये है कि आपको यूटिलिटीज़ एंड फ्यूल पे भी डायरेक्ट पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट स्पेंड करते हो अगर फ्यूल स्टेशन पे पेमेंट करते हो तो आपको उस पे भी पॉइंट्स मिलते हैं, दैट इज 2%, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड इसमें वही सेम है, 1000 बोनस पॉइंट ऑन 6 ट्रांजेक्शन ऑफ 1000 ईच। एंड अगर एमएक्स रिवॉर्ड मल्टीप्लायर में आप इसकी गणित देखोगे विच कम्स आउट टू बी 5x, मतलब नॉर्मल 2x मिलते हैं तो उससे 5 टाइम्स, इसका मतलब 10% आपको रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर के थ्रू कोई वाउचर खरीदते हो। सो लेट्स से यू स्पेंड 6,000 रुपीज एवरी मंथ इससे, तो उसके नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स दैट कम्स आउट टू बी 5x के हिसाब से 600 पॉइंट्स, प्लस आपको इसमें 1,000 का बोनस भी मिलेगा, सो इट कम्स आउट टू बी 1,600 पॉइंट्स, जिसकी वैल्यू मैरिट पे 35% आ जाती है। अभी बहुत छोटा नंबर है तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, लेट्स से इसको मैं बढ़ा देता हूँ, या आप साल साल में करोगे तो इट माइट बी अ गुड फिगर। मान लो आप ये 1600 पॉइंट्स जो आप जनरेट करोगे इसको 12 पूरे साल में करते हो तो 20,000 पॉइंट्स हो गए। अगेन दिस इज 35% ऑफ इट, बट 20,000 में आपको एक नाइट फ्री तो मिल ही जाएगी किसी भी मैरिड प्रॉपर्टी में मोस्टली। एंड 6,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो विच कम्स आउट टू 72,000, तो 72,000 के नॉर्मल अपने स्पेंड्स, अननेसेसरी ज़्यादा स्पेंड्स करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल अपने घर के खर्चे भी हैंडल करने से आपको साल की एक नाइट मैरिड की फ्री मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर आपको एक क्लब महिंद्रा वगैरह ऐसी हॉलीडेज वगैरह की मेंबरशिप की जरूरत ही क्या है अगर आप पॉइंट्स से तो नाइट्स रिडीम करा सकते हो। मान लो लेट्स से आपके 6,000 के महीने के स्पेंड नहीं है, आपके स्पेंड हैं लेट्स से
1 lakh rupees a month आप इसी कार्ड पे करते हो, 1 lakh rupees पे सारा का सारा Amazon पे से ही कर लेते हो मान लो, तो उसका 10,000 आपको मिलेगा एंड 1,000 बोनस जो आपको हर महीना मिलना है वो मिलेगा ही। 11,000 हो गया, 11,000 पे भी आपको 14% मैरिट के रिटर्न मिल रहे हैं विच इज ऑसम। लेट्स से इसको 50,000 कर देते हैं, 50,000 पे इट कम्स आउट टू बी 16%, मतलब इतना तो एक अच्छे से अच्छा हाई एंड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता जितना ये Amex गोल्ड दे रहा है या Amex के इकोसिस्टम वाले कार्ड्स दे रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट वे जिससे आप रिवॉर्ड्स या रिटर्न्स मैक्सिमाइज करा सकते हो थ्रू Amex के इस इकोसिस्टम को फॉलो करके। एंड जस्ट यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर रिडेम्पशन, मैरिट में रिडीम कराओ बट उसी विंडो में कराओ जब आपको 30% बोनस मिल रहा हो। ये साल में 3 से 4 बार खुलता है, दिसंबर जुलाई अभी अप्रैल में भी खुलेगा शायद एंड इट विल कम आउट अराउंड सेप्टेम्बर अक्टूबर ऑल्सो। सो दिस वुड बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू कि आप अपने रिवॉर्ड्स रिडीम करा लो, पूरे साल एक्युमुलेट कराओ और एक बार में रिडीम करा लो एंड प्लान योर हॉलीडे अकॉर्डिंगली। एंड एयरलाइंस पे एंड अदर बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स पे भी कैसे रिवॉर्ड जनरेट करना है इस पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आई विल मेक सच वीडियोज सून। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियो वुड लाइक टू सी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।